हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे स्ट्रैडल की कि स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है और अगर मार्केट स्ट्रैडल के अगेंस्ट जाता है तो इसको कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, अगर मार्केट में बहुत कुछ नहीं होता है और मार्केट एक रेंज में ही रहता है तो स्ट्रैडल वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो स्ट्रैडल में आपको भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। वोलेटाइल मार्केट इज द नंबर वन किलर ऑफ स्ट्रैडल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि स्ट्रैडल में किस तरह से प्रॉफिट और लॉस होता है और अगर मार्केट आपकी स्ट्रैडल के अगेंस्ट जाता है तो एक स्ट्रैडल को कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं। देखिए मार्च मंथ चल रहा है लेकिन अभी मार्च की एक्सपायरी हुई नहीं है इसलिए मार्च मंथ अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको फेब मंथ का एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। तो मैं सिमुलेटर को एक फेब पे ले जाता हूं। तो देखिए मैं आपको फेब मंथ का एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। एक फेब को निफ्टी 17500 के आसपास है, 17488। तो अब हम एक स्ट्रैडल डिप्लॉय करेंगे। तो स्ट्रैडल में क्या होता है, निफ्टी 17500 पे है तो हम 17500 की कॉल सेल करेंगे और 17500 की पुट सेल करेंगे। तो मैंने 17500 की कॉल सेल की 374 रुपीज में और 17500 की मैं पुट सेल करता हूं 380 रुपीज में। तो ये देखिए मैंने 17500 की कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया है 24th फेब की एक्सपायरी का, आज है 1 फेब। तो देखिए मेरे जो ब्रेक इवन निकल के आते हैं वो 16750 से 18250, ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। इसके बीच में अगर कहीं भी एक्सपायरी होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्स प्रॉफिट है 37000 रुपीज का। लेकिन देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि 37000 जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमें इसके लिए नहीं बैठना है। स्ट्रैडल में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका 50% जब होगा तो हम निकल जाएंगे। अगर हम पूरे 100% प्रॉफिट के लिए बैठते हैं 37000 के लिए तो एक तो हमें एक्सपायरी डे तक बैठना पड़ेगा और दूसरी बात, ये प्रॉफिट हमें तब होगा जब एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट 17500 पे एक्सपायर हो। तो इसके चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि मार्केट इस रेंज में कहीं भी एक्सपायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि 17500 पे ही हो, हमें मैक्स प्रॉफिट 17500 पे होगा। तो हम ये पूरे 37000 के लिए नहीं बैठेंगे, जब भी हमें 50% प्रॉफिट होगा ये मैक्स प्रॉफिट का तो हम उसे बुक करके निकल जाएंगे। तो अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रैडल में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और क्या मार्केट हमारे स्ट्रैडल को चैलेंज करता है। तो देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है मार्केट में, मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर गया है और मुझे 4800 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा प्रॉफिट टारगेट क्या है, जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है अभी 37000 उसका 50%, मतलब 18-19000 का जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा। नेक्स्ट डे मार्केट फिर से ऊपर जाता है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, मुझे प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6000 रुपए का हो रहा है। 4 फेब को मार्केट वापस नीचे आता है, जहां से मैंने शुरू किया था मार्केट वहीं पर आ गया है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 7500 रुपए का। मार्केट में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, मेरा प्रॉफिट देखिए 9600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया और मेरा प्रॉफिट अभी भी 9500 रुपीज़ का है। मार्केट एक रेंज में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मेरा प्रॉफिट हो गया 13500 रुपीज़ का और मैक्स प्रॉफिट जो है वो 37000 है। तो जब मुझे 18-19000 का प्रॉफिट होगा जो 50% है मेरे मैक्स प्रॉफिट का, तो मैं उसे बुक करके निकल जाऊंगा। अब देखिए मुझे ऑलमोस्ट 15000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। घूम फिर के जहां से हमने शुरू किया था 17500 पे निफ्टी था और अभी निफ्टी एग्जैक्टली 17500 पे ही है, मतलब मार्केट एक रेंज में है इसीलिए हमें इतनी जल्दी इतना हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट नीचे आया है और मेरा प्रॉफिट हो रहा है 15000 रुपए का। ये देखिए मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हुआ है और मार्केट 17000 के लेवल को तोड़ के उससे भी नीचे आ गया है। अब देखिए जो मुझे 15000 का प्रॉफिट हो रहा था वो सिर्फ 2000 रुपए का प्रॉफिट रह गया है क्योंकि मार्केट में एक तेज गिरावट आई है। लेकिन हमारा ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है, ये देखिए नीचे का ब्रेक इवन है 16750 और निफ्टी अभी है 16900 के आसपास। तो अभी ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है, अगर ब्रेक इवन टूटता है तो हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो लेट्स सी अगले दिन क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा संभलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और मेरा प्रॉफिट अभी ऑलमोस्ट 5000 रुपए का हो रहा है। ओके नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन मार्केट में रिबाउंड आता है, निफ्टी 17370 पे पहुंच गया है और मेरा प्रॉफिट देखिए वापस 16000 पे आ गया है। लेकिन मैं बुक कब करूंगा, 18-19000 पे, क्योंकि वो जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है उसका 50% है। तो नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे निफ्टी फिर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर गया है और मुझे 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है उसका 50% मुझे हो चुका है और मेरा टारगेट स्ट्रैडल में हमेशा 50% ही रहता है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा, लास्ट डे तक नहीं बैठूंगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे इजी मनी है, क्योंकि यहाँ मार्केट में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको कोई टफ मंथ दिखाना चाहता था जिसमें हमें एडजस्टमेंट करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा है, मार्केट एक रेंज में रहा है और इसीलिए आपको इजीली ये 19,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो मैं आपको कोई टफ मंथ दिखाता हूँ जिसमें हमें एडजस्टमेंट करने पड़े, जहां मार्केट हमारे स्ट्रैडल को चैलेंज करे। तो फेब मंथ नहीं, हम जनवरी मंथ में देखते हैं। जनवरी में भी मार्केट काफी वोलेटाइल रहा था, वहां मार्केट ने स्ट्रैडल को चैलेंज किया होगा, सो वहां पे मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। 1 जनवरी को मैं देखता हूँ, 1 को सैटरडे था, 3 जनवरी को मंडे है, 3 जनवरी से, और जनवरी एक्सपायरी थी 27 जनवरी। ठीक है, तो 3 जनवरी को है मंडे और 27 जनवरी को जो एक्सपायरी थी मंथली उसका मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और निफ्टी है 3 जनवरी को 17,470, ऑलमोस्ट 17,500 के आसपास है। तो मैं क्या करूंगा, 17,500 के एक कॉल और पुट दोनों सेल कर दूंगा। ये देखिए मैंने 17,500 के कॉल सेल कर दी 280 रुपीज़ में और 17,500 की पुट सेल कर दी 270 रुपीज़ में। ये देखिए 17,500 की कॉल और पुट दोनों मैंने सेल कर दी और ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर मार्केट पूरे मंथ 16,950 से 18,050 के बीच में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 27,000 रुपये का है, मतलब मुझे 13,000-14,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो मैं उसको बुक करके निकल जाऊंगा, वो मेरे मैक्स प्रॉफिट का 50% होगा। और अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ता है, मेरी स्ट्रैडल को चैलेंज करता है, तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो देखते हैं एक एक दिन आगे करके देखते हैं कि मार्केट हमारी स्ट्रैडल को चैलेंज करता है या यहाँ पे भी हमें इजी प्रॉफिट होता है। तो देखिए मार्केट है 17,500 पे, नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगले दिन मार्केट में 200 पॉइंट का गैप अप हुआ है और मुझे 1,800 रुपये का लॉस हो रहा है। मेरा अपर ब्रेक इवन है 18,050 पे और निफ्टी है 17,700 पे। नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन निफ्टी फिर से ऊपर गया है, 17,850 के आसपास चला गया है और मुझे ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। देखिए निफ्टी 17,900 के आसपास चला गया, 17,880, और मुझे देखिए 5,600 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ऑलमोस्ट 5,700 रुपीज़ का लॉस हो रहा है मुझे। अब देखिए मेरा अपर ब्रेक इवन है 18,050, अगर निफ्टी मेरे ब्रेक इवन को तोड़ के और ऊपर जाना शुरू होता है तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा। ये देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट 18,000 पे आ गया है, मैं वेट करूंगा। ये देखिए अब निफ्टी ने 18,000 का लेवल भी तोड़ दिया है, मतलब जो मेरा अपर ब्रेक इवन है एकदम उसको तोड़ने के कगार पे है, मतलब मेरा अपर ब्रेक इवन है 18,050, उसके एकदम पास में आ गया निफ्टी। तो अब मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अपर ब्रेक इवन है और निफ्टी भी यहीं पे पहुंच गया है। अगर निफ्टी अब यहां से ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा, तो मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर का ब्रेक इवन है इसको और आगे शिफ्ट करना है, सो दैट अगर निफ्टी ऊपर जाए तो मुझे लॉस ना हो। अभी मुझे 7,500 रुपए का लॉस हो रहा है। तो देखिए अब मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, मैंने 17,500 की कॉल और पुट दोनों सेल की थी, 17,500 की कॉल जो है उसमें मुझे अभी 17,000 रुपए का लॉस हो रहा है और 17,500 की पुट जो मैंने सेल की थी उसमें 9,500 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 17,500 की ये जो पुट है इसमें मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। देखिए 17,500 की पुट मैंने 270 रुपए में सेल की थी और अभी ये 81 रुपीज़ की चल रही है, तो मैं इसको बुक कर लूंगा। 17,500 में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, इस पुट को ऊपर ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। देखिए मार्केट 17,500 से और ऊपर चला गया है, तो मैं क्या करूंगा, 17,500 की कॉल जो है जिसमें मुझे लॉस हो रहा है इसको मैं टच नहीं करूंगा, 17,500 की पुट जो थी इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, पुट को ऊपर शिफ्ट करूंगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 18,000 की पुट सेल कर दूंगा 220 रुपए में। ये देखिए मैंने 18,000 की पुट सेल कर दी। तो अब देखिए आप, मेरा ऊपर का ब्रेक इवन जो 18,050 पे था वो अब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर चला गया है, अब मेरा अपर ब्रेक इवन 18,200 पे चला गया है,
मतलब अब मुझे 150 पॉइंट का कुशन मिल गया है। अगर निफ्टी 150 पॉइंट और ऊपर जाता है तब तक मुझे लॉस नहीं होगा, मेरी प्रॉफिटेबल रेंज और 150 पॉइंट बढ़ गई है। लेकिन अगर निफ्टी उससे भी ऊपर जाता है तो फिर मुझे और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। निफ्टी 18,000 पे फिलहाल। नेक्स्ट डे देखिए निफ्टी फिर से ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट मेरे ब्रेक इवन को ही निफ्टी ने टच कर दिया है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, मेरा ब्रेक इवन था 18,200 और निफ्टी ऑलमोस्ट 18,200 पे ही आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाता है तो फिर मुझे लॉस होगा। अभी मुझे 9,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो देखिए इनिशियली मैंने 17,500 की कॉल और पुट दोनों सेल की थी, मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया था, लेकिन क्योंकि निफ्टी मेरे स्ट्रैडल को तोड़कर ऊपर जाना शुरू हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने एडजस्टमेंट किया 17,500 की पुट जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा था उसमें वो प्रॉफिट बुक किया और 17,500 की पुट को 18,000 पे शिफ्ट कर दिया। मैंने 18,000 की पुट सेल कर दी। लेकिन देखिए अब इस एडजस्टमेंट के बाद भी निफ्टी ऊपर ही जाता जा रहा है और मेरा जो ब्रेक इवन है उसको ऑलमोस्ट टच कर दिया है। अब यहां से ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 18,000 की पुट जो मैंने सेल की थी इसमें भी मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। देखिए मैंने 220 रुपए में सेल की थी और अभी ये 147 रुपीज की है, तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा। देखिए पुट साइड में मैं प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूं और कॉल साइड में जहां मुझे लॉस हो रहा है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं। तो देखिए निफ्टी 18,200 पे है और क्योंकि निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है तो मैंने क्या किया, 18,000 की पुट जो मैंने सेल की थी उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और अब निफ्टी 18,200 पे है तो मैं 100 पॉइंट ऊपर जाकर और 18,300 की एक स्ट्रैडल सेल कर दूंगा। देखिए 18,300 की स्ट्रैडल में सेल करूंगा, कॉल सेल की मैंने 160 रुपीज में और पुट सेल की मैंने 280 रुपीज में। अब देखिए जो मेरा अपर ब्रेक इवन था जो पहले 18,200 था उसको मैंने और 200 पॉइंट ऊपर खिसका दिया है। अब मेरा अपर ब्रेक इवन 18,400 पे है, मतलब पहले मुझे 18,200 से ऊपर अनलिमिटेड लॉस हो रहा था, अब वो लॉस मुझे 18,400 के बाद होगा। तो अब मुझे 200 पॉइंट का और क्वेश्चन मिल गया है। देखिए एडजस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप अपने ब्रेक इवन को इस तरह से शिफ्ट कीजिए कि मार्केट को आप थोड़ा और स्पेस दे रहे हैं अपने अगेंस्ट जाने का। तो यहाँ पे मैंने मार्केट को 200 पॉइंट और दे दिया मेरे अगेंस्ट जाने के लिए। अगर मार्केट 18,400 को भी तोड़ता है तो फिर मैं तीसरा एडजस्टमेंट करूंगा। हम दो एडजस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं, लेकिन अब आप देखिए मुझे जो मैक्स प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 9,300 रुपीज का हो रहा है। इनिशियली प्रॉफिट काफी ज्यादा था लेकिन क्योंकि मार्केट कंप्लीटली हमारे स्ट्रैडल के अगेंस्ट चला गया है तो हमें एडजस्टमेंट करने पड़े और इसीलिए अब ये जो मैक्स प्रॉफिट है ये सिर्फ 9,300 रुपीज का हो रहा है। लेकिन जब आप स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब स्ट्रैडल में प्रॉफिट होता है तो वो बहुत अच्छा खासा होता है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि फेब मंथ में ज्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, मार्केट रेंज में था, इसलिए हमें कुछ ही दिनों में और 19,000 रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। तो आपको क्या करना है, स्ट्रैडल में जब प्रॉफिट होगा तब अच्छा खासा होता है, लेकिन जब मार्केट आपके स्ट्रैडल के अगेंस्ट जाता है तो उस समय आपको प्रॉफिट को नहीं देखना है, उस समय आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैं अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करूं। क्योंकि स्ट्रैडल में जब आपको प्रॉफिट होगा वो टेक केयर करेगा आपके छोटे मोटे जो लॉस होते हैं उनका भी, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। तो जब मार्केट आपके स्ट्रैडल को चैलेंज करे तो आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैं अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करूं। उस समय आपको प्रॉफिट कमाने का नहीं देखना है, उस समय आपको अपने लॉस को नलिफाई करना है। तो यहां पे देखिए मार्केट ने हमारे स्ट्रैडल को चैलेंज किया है तो अब हमें क्या करना है, हमें इस लॉस को नलिफाई करना है। और क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसीलिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी हमारा 9,300 रुपीज का है और मैंने आपको बोला कि स्ट्रैडल में आपको 50% प्रॉफिट पे निकल जाना है, मतलब जब हमें 4,500-5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो हम निकल जाएंगे। और अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के और बाहर जाता है तो हम और एडजस्टमेंट करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी निफ्टी 18,200 के आसपास है। नेक्स्ट डे देखिए अगले दिन निफ्टी और ऊपर जाता है, 18,265 पे चला गया है, लेकिन मेरा ब्रेक है ना 18,400। अगर 18,400 को निफ्टी तोड़ता है तो फिर मैं अगला एडजस्टमेंट करूंगा। ये देखिए निफ्टी वापस नीचे आया है और मुझे लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का। आप ये देखिए कि इनिशियली जो हमारा ब्रेक इवन था ऑन द अपसाइड वो 18,050 का था, हमने उसे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ऊपर खिसका दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट गया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। अगले दिन मार्केट फिर से ऊपर जाता है और 18,300 को भी क्रॉस कर दिया है और मुझे देखिए 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन मैं कब तक एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, जब तक निफ्टी 18,400 को नहीं तोड़ देता, क्योंकि 18,400 मेरा ऑन द अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। तो नेक्स्ट डे देखिए
निफ्टी अभी भी ऊपर ही जाता जा रहा है, निफ्टी 18,350 पे चला गया है और मुझे लॉस 10,000 रुपये का हो रहा है। अब देखिए निफ्टी अगर और ऊपर जाता है तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा। नेक्स्ट डे देखते हैं, ये देखिए निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, निफ्टी 18,050 के आसपास आ गया है और यहाँ पे ये देखिए जो मुझे लॉस हो रहा था 10,000 रुपये का, वो सिर्फ 100 रुपये का लॉस रह गया है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है मार्केट में, तो निफ्टी और नीचे गया है और अब देखिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है 4,100 रुपये का, मतलब जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो 9,300 रुपीज़ का है और उसका 50% कितना होगा 4,500 के आसपास, तो मुझे 4,100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है जो उसके नियर बाई है। देखिए मार्केट कंप्लीटली मेरे स्ट्रैडल के अगेंस्ट गया था तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, क्योंकि जब स्ट्रैडल को मार्केट चैलेंज करता है तो आपका एक ही मोटिव रहना चाहिए कि आप उस स्ट्रैडल से मिनिमम लॉस के साथ एग्जिट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैं 4,000 के छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि मार्केट मेरे स्ट्रैडल को चैलेंज कर चुका है। इनिशियली जब मैंने स्ट्रैडल को इनिशिएट किया था उस टाइम पे मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 27,000-28,000 रुपये का था, लेकिन क्योंकि मार्केट ने इसको चैलेंज किया तो मैंने एडजस्टमेंट किए और मेरा मैक्स प्रॉफिट सिर्फ 9,300 रुपीज का रह गया, तो उसका 50% ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं यहां पे इसको बुक करके निकल जाऊंगा और नेक्स्ट ट्रेड के लिए हंट करूंगा। तो इस तरह से एक स्ट्रैडल को मैनेज किया जाता है अगर मार्केट आपकी स्ट्रैडल के अगेंस्ट जाता है तो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने क्या क्या एडजस्टमेंट किए हैं। देखिए इनिशियली मैंने 17,500 की एक कॉल सेल की और 17,500 की एक पुट सेल की, फिर क्या हुआ मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, जो मेरा ऊपर का ब्रेक इवन था उसको मार्केट ने तोड़ दिया, तो मैंने क्या किया 17,500 के कॉल में तो मुझे लॉस हो रहा था तो इसको मैंने टच नहीं किया, लेकिन 17,500 की पुट जो है उसमें मुझे 9,500 का प्रॉफिट हो रहा था, इसको मैंने बुक कर लिया और इसमें से एग्जिट होके और मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको 18,000 की पुट पर, मतलब मैं 17,500 की पुट से निकल गया, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने बुक किया और 18,000 की पुट को मैंने सेल कर दिया। ये करने से क्या फायदा हुआ, जो मेरा ब्रेक इवन था वो 150 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन निफ्टी और ऊपर गया और जो मेरा ब्रेक इवन था उसको भी तोड़ दिया, तो अब मैंने क्या किया 18,000 की जो पुट मैंने सेल की थी इससे भी मैं एग्जिट हो गया और मैंने क्या किया 18,300 जहां पे निफ्टी अभी था उससे 100 पॉइंट ऊपर जाकर और 18,300 के एक और स्ट्रैडल सेल कर दी। तो देखिए मैंने क्या किया 17,500 की कॉल और पुट दोनों सेल की हुई थी, लेकिन जब मार्केट ने इसको चैलेंज किया तो मैंने 17,500 की पुट को 18,000 पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन मार्केट ने जब उसको भी चैलेंज किया तो मैंने 18,000 की पुट में प्रॉफिट बुक किया और 18,300 के एक स्ट्रैडल और सेल कर दी। ये करके मैंने अपने ब्रेक इवन को 200 पॉइंट और ऊपर शिफ्ट कर दिया और इस तरह से स्ट्रैडल में जिसमें मार्केट कंप्लीटली मेरे स्ट्रैडल के अगेंस्ट गया उसमें भी मैं 4,000 के प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो गया। तो ये होती है स्ट्रैडल। देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रैडल में जब प्रॉफिट होता है तो वो अच्छा खासा होता है, जैसे फेब मंथ में हमें 10 से 12 दिन में ही और 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो स्ट्रैडल में जब प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा होता है, लेकिन जब मार्केट आपकी स्ट्रैडल को चैलेंज करता है तो आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मैं अपने लॉस को कैसे नलीफाई करूं, अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करूं, क्योंकि जब मार्केट आपकी स्ट्रैडल को चैलेंज करता है उस समय बहुत चांस होते हैं कि आपको एक बड़ा लॉस हो, और अगर आपने उस लॉस को बचा लिया आपको एडजस्ट करने आते हैं तो बाकी टाइम जो आपको स्ट्रैडल प्रॉफिट देगा वो बहुत डिसेंट होता है और आप ओवरऑल एक डिसेंट प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब स्ट्रैडल मुझे प्रॉफिट देगा तो अच्छा खासा देगा, लेकिन जब मार्केट मेरे स्ट्रैडल को चैलेंज करता है उस समय आपका एक ही मोटिव रहना चाहिए कि आप अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करें। देखिए यहां पे मार्केट ने हमारे स्ट्रैडल को चैलेंज किया था और अगर हम कुछ नहीं करते, कोई एडजस्टमेंट नहीं करते तो हमें अच्छा खासा लॉस होता, लेकिन क्योंकि हमने एडजस्टमेंट किया और मार्केट हमारे स्ट्रैडल के अगेंस्ट गया उसके बावजूद हम 4,000 के छोटे से प्रॉफिट के साथ निकले। तो स्ट्रैडल को ट्रेड करने से पहले आपको उसको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।